खुदा की सिमत से तोहफा रसूल को आया, इसी दुरूद ने नारे सकर को बुझवाया, इसी दुरूद ने रास्ता इरम का दिखलाया। मोहे बुचार द मासूम पर दुरूद पढ़ो, मसल्ले महम्मद, दुरूद पढ़ने से अफजू सिफात पाओगे, दुरूद पढ़ने से लुफ्ते हयात पाओगे, दुरूद पढ़ने से अच्छी वफात पाओगे, दुरूद पढ़ने से यारो नजात पाओगे। मोए बुचार द मासूम पर दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुरूद पढ़ के पुकारा कलम द मेर कान, अमीन रो कलो अब तो सने जुबा की लगाम, रसूल फातिमा जहरा है और बारा इमाम, यही बुजुर्ग है सब लायक के दुरूदो सलाम। मोहे बुचार द मासूम पर दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुस्नु दी फातिमा जहरा आवाज़ बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सैयदा है बागे नबूवत का फूल है, सारे पयाम्बरी में सरी के रसूल है। ये सैयदा है इस दर पे आके ख्वाहिशे जन्नत फुजूल है। रोजा है क्या, नमाज है क्या, हज है क्या, ये सब। रोजा है क्या, नमाज है क्या, हज है क्या, ये सब। उल्फत नहीं जो आले नबी की फुजूल है। ये सैयदा है इस दर को पाके ख्वाहिशे जन्नत फुजूल है। ये कौन आ गया है मोहम्मद की पुश्त पर, ये कौन आ गया है मोहम्मद की पुश्त पर, जिसके लिए रसूल के सजदे में तूल है। ये सैयदा है, शामिल है इनका नाम इबादत के रुकन में, शामिल है इनका नाम इबादत के रुकन में, इन पर दुरूद है तो इबादत कबूल है। अल्लाहुम्मा सल्लल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। खोदोगी तुम चचा को अभी सम जाते थे हुसैन, पानी की ख्वाहिश देखो सकीना फुजूल है। ये सैयदा है
बिछता रहेगा फर्श अज़ाए गमे हुसैन, मिट जाएगा जहां से जमाने की भूल है, ये सैयदा है पामाल हो न जाए कहीं या अली मदद, पामाल हो न जाए कहीं या अली मदद, घेरे में परचियों के शबी है रसूल है। नारे सलवात فاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اكسلوات بجمع آج آپ کے جو عدد ہیں وہ دیکھنے والے کمال کے عدد خدا مند عالم سلامت رکھیں اور آیت بھی صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں پہلے ایمان ہے پھر تقویٰ ہے پھر سچوں کا ساتھ ہے تو کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ لفظ معا کہ کیسے ساتھ ہو جائیں تو کسی نے کہا کہ وہ آیت اللہ خوئی کے ساتھ ہو جائیں تو میں نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ بھی ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ہیں ان کے دل میں محبت اہل بیت ہے جس دن ہمارے علماء یہ اعلان کر دیں کہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے اہل بیت کی ہم ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اصل ہے محبت اہل بیت جو آپ کو اور مجھے ساتھ لے کر چلتی ہے اور ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے یعنی ان کی محبت کو اپنے دل میں اس طرح سے قرار دینا ہے کہ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ ان کی یاد میں گزرے ان کے پیروی میں گزرے ان کی اطاعت میں گزرے ان کی اتباع میں گزرے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں ساتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں صحابیت آ جاتی ہے صحابیت میں اور اہل بیت کی معیت میں یہ فرق ہے
कि सहाब जो हैं वो जिस्मानी तौर पर साथ होते हैं, लेकिन जब अहले बैत का साथ हम देते हैं तो वो रूहानी तौर के ऊपर और कल्बी तौर के ऊपर साथ होता है। तो इसके लिए जिस्मानी नज़दीकी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रूहानी ताल्लुक भी कायम हो जाता है अगर दूर हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हिंदुस्तान में आप हैं और आपके अहलोयाल वहाँ पर हैं, जिस्मानी तौर पर दूर हैं मगर रूहानी तौर के ऊपर, कल्बी तौर के ऊपर नज़दीक हैं। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि कूनू मा सादिकीन, जो मौला अली के ज़माने में थे वो मौला अली के साथ थे, हम मौला अली के ज़माने में हैं नहीं तो मौला अली की मोहब्बत के साथ हैं, हम अहिम्मा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ हैं। और ये साथ होना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक साथ रहता है उस वक्त तक असरात मुंतकिल होते रहते हैं। रसूलुल्लाह ने हदीस में इरशाद फरमाया, या अली खुलिक्तु अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदा, ए अली तुम और मैं एक ही दरख्त से पैदा हुए हैं। दूसरी हदीस में कहते हैं, या रसूलुल्लाह खुलिक्ता अंता या अली मिन शजरतिन व खुलिक्तु मिनहा, मैं उसी दरख्त से पैदा हुआ हूँ जिससे तुम पैदा हुए हो, अना असलुहा मैं उसकी जड़ हूँ, अंता फरओहा ए अली तुम उसकी शाख हो, तना हो, व हसन वल हुसैन अगसानुहा और हसन और हुसैन उसके ब्रांचेज हैं, व मुहिब्बूना औराकुहा और हमारे जो मोहब्बत करने वाले मुहिब हैं वो उसके पत्ते हैं। ये पत्ते जो हैं एक ख़ास खसूसियत रखते हैं और वो खसूसियत ये है कि जिस चीज़ का दरख्त होता है पत्ते में उसका असर होता है। लिहाजा अक्सर लोग क्या करते हैं, पत्ता सूंघ के बता देते हैं कि कौन से दरख्त का पत्ता है। आम का दरख्त है उसका पत्ता लें, उसकी आम की खुशबू है, अमरूद का दरख्त है उसकी खुशबू है, नीम का दरख्त है उसकी खुशबू है, यानी पत्ता क्या कर रहा है, पत्ता अपने असल का पता बता रहा है। तो जितने मोमिनीन हैं उनका किरदार, उनकी सीरत असल का पता बताती है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं ये किससे मोहब्बत करते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, है कि नहीं। तो एक तो खसूसियत ये है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमरूद के दरख्त के ऊपर नीम के पत्ते निकले हों, नहीं, उस जैसा जैसी जड़ है, जैसा तना है, जैसी शाखें हैं वैसे ही ये पत्ता जो है वो खुशबू देता है। इसकी खुशबू का क्या मतलब है, जब आप पत्ते घुसूंगे आम आम कहेगा, जब पत्ते घुसूंगेंगे आम आम कहेगा ना, आम का पत्ता है आम कहेगा, और जिस पत्ते को आप सूंघेंगे आम आम, जब सूंघेंगे आम, तो पत्ते की एक खसूसियत है कि वो हमेशा उसके बारे में पता बताता रहता है जिसका वो एक पत्ता है, उस दरख्त का पता बताता है। तो आम आम अमरूद अमरूद आप कर रहे हैं क्यों, इसलिए कि उसके पत्ते हैं। हम हैं अहले बैत के दरख्त के पत्ते और हम लगे हैं हुसैन की शाख में, तो आप बार बार हुसैन हुसैन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, बार बार अली अली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो जब भी हमें देखता है कोई इंसान, कभी अली कहता है, कभी हुसैन कहता है, कभी हसन, कभी फातिमा, कभी रसूल, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो पत्ते हैं और पत्ते का मतलब आप जानते हैं, पत्ते बड़ी अहम चीज होते हैं, अक्सर इलाज जो है पत्तों ही से हो रहा है आजकल। तो यहाँ पर जो है वो पत्ता, यही पत्ता जब तक दरख्त के साथ है उस वक्त तक इसके अंदर सब ताजगी है, फ्रेश है बिल्कुल। क्यों, इसलिए कि ये दरख्त के साथ है। इधर इसने दरख्त का साथ छोड़ा तो वो सूख भी गया, और सूखने के बाद जो गार्डन में माली आता है वो उसको इकट्ठा करके उसमें आग लगा देता है,
तो अहले बैत के दरख्त के जो साथ होता है उसके अंदर ताजगी पाई जाती है, और इधर अहले बैत से अलग हुआ, अब अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह की कुदरत का माली है जो इनको समेटेगा और आतिश नार। तो यहां पर इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा, या अली जो तुमसे बुग्ज़ रखे उसका ठिकाना और कोई नहीं है सिवाय जहन्नम के। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। और इन दरख्तों में खसूसियत है, देखें आप कितने दरख्त होते हैं एक बाग में, अमरूद का भी वहीं लगा हुआ है, उसी जमीन पर अमरूद का भी है, उसी जमीन पर आम का भी निकल रहा है, उसी जमीन पर दूसरे फलों का भी निकल रहा है, जमीन बदल नहीं रही है, जमीन वही है, दरख्त जो निकल रहे हैं उनमें अलग अलग खुशबू है, अलग अलग मज़ा है। तो ये हम जमीन अहले बैत के जो परवरदा हैं, हम में हर एक में अलग अलग खुशबू है, अलग अलग मज़ा है। आप देखें, हम ही में से कोई अबू ज़र है, हम ही में से कोई सलमान है, हम ही में से कोई मिर्दाद है, यानी हमारी सिफतें अलग अलग हों मगर हमारी हकीकत एक ही है, और वो है मोहब्बत अहले बैत। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। तो ये साथ है, माईयत है, माईयत के मानी है बिल्कुल साथ रहे। कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, क्या मतलब, यानी उनसे चिपके रहो, उनसे अलग हुए और मुर्दनी छाई। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि अगर जिंदा कौम देखना है तो शियों को देखो, इसलिए कि रोना जो है वो मुर्दे की अलामत नहीं है, जिंदगी की अलामत रोना है। जब ये देखते हैं अहले बैत को तो इनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। एक मिसाल दे दूं मैं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जनाबे जाफर तैयार गए थे और नजाशी के दरबार में, और वहाँ जाकर उन्होंने कुरान के आयतों की तिलावत की, नजाशी के आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसको कुरान खुद कह रहा है कि उनके आंखों से आंसू निकल आएंगे, कब, जब कुरान सुनेंगे। तो जब अहले बैत कुरान नातिक हैं, हम में अक्सर ऐसे मोमिनीन हैं जो फजाइल सुनते हैं तब भी आंखों से आंसू निकल आते हैं, मसाइब सुनते हैं जब भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये दोनों साथ हैं ना, कुरान और अहले बैत, तो दोनों की सिफतें यही हैं। तो यहाँ पर जो है हमें दोनों का साथ लेकर चलना है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो कूनु मा सादिकीन कह दिया, और यहाँ पर कहने के बाद हमसे कहा कि अब साथ हो जाओ। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब साथ होंगे और अहले बैत की मोहब्बत दिल में होगी, अक्सर अहले बैत ही पर इख्तलाफ है कि अहले बैत कौन है, सुन्नियों के अलग अहले बैत हैं, शियों के अलग हैं, पंजतन भी उनके अलग बना लिए उन्होंने। आपको मालूम होना लखनऊ में जो है पंजतन बने हैं, तीनों खलीफा, रसूलुल्लाह और वो बीबी, ये उनके पंजतन हैं, और हमने अपने पंजतन पेश किए। कहा कि नहीं, ये असल पंजतन है, इसलिए कि इनकी शान में आयते तथीर उतरी है, और अहले बैत हैं। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जरा सा गौर करके देखें। वो कहते हैं कि अहले बैत का लफ्ज़ कुरान मजीद में जौजा के लिए आया है, बीवी के लिए आया है, अहले बैत का लफ्ज़। वो पहले तो जनाबे सारा जनाबे इब्राहिम की बीवी, उनके पास जब खुशखबरी देने के लिए फरिश्ते आए तो उन्होंने उनको सलाम किया और उनको बशारत दी कि तुम्हारे एक बेटा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और इसहाक का एक बेटा होगा जिसका नाम याकूब होगा। जब यह खुशखबरी दे दी तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूँ, मेरे तो बच्चा हो नहीं सकता, मेरा शौहर तो बूढ़ा है, तो मेरे वहाँ कैसे। तो आयत कुरान मजीद की कह रही, अताजबीना मिन अम्रिल्ला, क्या तुम्हें ताज्जुब है अल्लाह के अमर से, व रहमतुल्लाह है व बरकातो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत भी हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बरकतें भी हो, या अहलल बैत,
ए अहले बैत। तो उन्होंने क्या दलील पेश की कि ये अहले बैत में है, क्यों? इसलिए कि ये इब्राहिम की बीवी है। जब ये इब्राहिम की बीवी थी तो ना फरिश्ते आए ना उन्होंने अहले बैत कहा। अहले बैत उस वक्त कह रहे हैं जब उनको बशारत दे दी कि तुम नबी की मां बनोगी। तो नबी के मां बनने से अहले बैत है, नबी की बीवी बनने से अहले बैत नहीं है। पहले अहले बैत, पहले अगर देना था तो पहले दे देता, लेकिन पहले बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारा बेटा होगा, पोता होगा। इसका मतलब यह है कि मासूम की मां बने तो अहले बैत है। तो जो दो मासूम की मां बन जाए वो सारा अहले बैत है। तो ये 9 मासूमों की मां है, 11 मासूमों की मां है फातिमा, तो ये अहले बैत क्यों नहीं होंगी? उसके बाद दूसरी मिसाल, वो कहते हैं कि एक अहले बैत और है। क्या वो कौन सी अहले बैत है? वो जनाब मूसा की मां है। जनाब मूसा की मां ने जब डाल दिया जनाब मूसा को संदूक में, और वो संदूक भी ऐसे चला है कि दुनिया की कोई चीज ऐसे नहीं चलती। दरिया का बहाव यूं है और संदूक यूं जा रहा है, और जाके पहुंच गया महल में। तो जनाब मूसा की मां ने अपनी बेटी से कहा कि उसके साथ चलो और मुझे बताना कहाँ गया। तो बहन जो है मूसा की साथ साथ चल रही है दरख्तों में, झाड़ियों में छुपते हुए। और वहाँ जब पहुँच गए, मूसा को निकाला, और आसिया ने, जो फिरौन की बीवी है, उसने कहा कि ये बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, चलो हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। और फिरौन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा इसरार है तो बेटा बना लेते हैं। यानी आसिया ने अपनी तौहीद परस्ती में, ये पहली चीज़ है जो फिरौन के ख़िलाफ़ की थी, तौहीद परस्ती है आसिया की, कि देखो खुदा का बेटा होता नहीं, हम इसको बेटा बना लेते हैं। और उसने मान भी लिया कि हाँ बेटा बना लो। तो लम यलिद वलम यूलद से तो ये निकल गया, ना बेटा होता है ना बच्चा होता है ना किसी का बच्चा है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही निकाल के आसिया की गोद में आए तो अब भूख लगी। जनाब मूसा रोए, कहा कि इसको दूध पिलाना है, कैसे पिलाएं? तो बुलाया गया एक एक औरत को जो दूध पिलाने वाली है कि इसको दूध पिलाओ। वह हर्रम नल मरादया, हमने जनाब मूसा के ऊपर तमाम दूध पिलाने वालियों को हराम कर दिया। समझ रहे हैं आप फर्क? समझ रहे हैं ना कितने साल के मूसा हैं? चंद दिन के मूसा। और आपके वहां जब तक 15 साल के होते नहीं तकलीफ़ शरी आती नहीं। यहाँ पर जनाब मूसा के ऊपर खुदावंद आलम ने तमाम लोगों, तमाम दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो नबी और इमाम हुआ करता है वो बचपन ही से नबी और इमाम होता है, 40 साल के बाद नहीं बनता। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले महरम। जब सब ने मना कर दिया तो अब ये मूसा की बहन निकल के आई, कहा कि हल अदुल्लकुम, क्या मैं तुम्हें अदुल्लकुम, तुम्हें रास्ता बताऊं ऐसे अहले बैत का, यह लफ्ज़ अहले बैत, ऐसे अहले बैत का जो इस बच्चे को दूध पिला दे। तो जनाब मूसा की बहन ने अपनी माँ को कहा अहले बैत। तो ये किसी की बीवी को अहले बैत नहीं कहा जा रहा है, ये मूसा की माँ को अहले बैत कहा जा रहा है। और जिसने तुम्हें तुमने अहले बैत कहा है रसूल की बीवी को, उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, एक बच्चे को भी पैदा नहीं किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो नबी और मासूम की माँ अहले बैत होती है, बीवी अहले बैत नहीं होती। एक दूसरे अहले बैत किसको कहते हैं? जो कभी गलती नहीं करते, मासूम होते हैं। सूरह तहरीम, सूरह तहरीम में आयत है बाकायदा कि रसूलुल्लाह ने एक राज आयशा को बताया और उनसे कहा कि तुम ये राज किसी और को नहीं बताना। उन्होंने जो है वो राज हफ्सा को बता दिया। ये पूरा वाकया आप सुन चुके हैं, मौलाना तो तबर्रा पढ़ने में माहिर हैं।
तो यहाँ पर जो है वो, हाँ मुझे इसलिए लोग कहते हैं कि ज्यादा तबर्रा पढ़ते हैं इसलिए कि मैं नाम ले लेता हूँ, तो नाम नहीं लेंगे तो फिर छोटे बच्चों को समझ में कहाँ से आएगा। तो उसने जो है उसको ओपन कर दिया सीक्रेट को। जब ओपन कर दिया तो खुदावंद आलम ने अब दोनों के लिए कहा, इन ततूबा, अगर तुम दोनों के दोनों अल्लाह से माफ़ी मांग लो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। फ़कद सगद कुलूबकुमा, तुम्हारे दिल कज हो गए हैं, टेढ़े हो गए। टेढ़े होने का मतलब क्या है? यानी तुम रास्ते से भटक गए। और उसके बाद वाली आयत तो कयामत की है। जैसे आप लोगों के दरमियान में एक ऐसी फर्द होती है जो जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते, और एक वो होती है जिसको आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो असल कीमत तो उसकी होती है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अब बाद वाली आयत ये कह रही है साफ साफ, सूरह तहरीम है आयत 5:4, तो कह रही है कि असा रब बहु, करीब है कि तुम्हारा रब, दोनों बीवियों से कह रहा है अल्लाह, इन तल्लक कुन्ना, अगर ये रसूल तुम्हें तलाक दे दें, अयुब दे लहू, उस तुमसे बेहतर चेंज करके दे दे बीवियां जो मुस्लिम होंगी, जो नमाजी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि और थीं जो इनसे बेहतर थीं, तो भैया हम अहले बैत में उसको मानते ही नहीं जो सबसे बेहतर ना हो। और कुरान ये कह रहा है कि तुमसे बेहतर हैं, अगर रसूल तलाक दे दें तो तुमसे बेहतर बीवियों से हम निकाह करवा देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जितने बीवियां हैं उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है, मगर फातिमा की जात का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में, रिप्लेसमेंट नहीं। तो अहले बैत में जितने हैं आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनको हटा दो कोई और आ जाएगा, नहीं। हिस्ट्री आप देखें, बदर से अली को निकाल दें, ओहद से अली को निकाल दें, खैबर से अली को निकाल दें, खंदक से अली को निकाल दें, तो रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए हम अली को यूनिक मानते हैं कि इसका जवाब, जैसे कुरान लाजवाब है वैसे ही अली लाजवाब है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले महमद, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और इनमें से किसी को आप किसी की जगह पर बिठा दें, पहले को दूसरी की जगह पर बिठा दें, दूसरे को पहले की जगह पर बिठा दें, तीसरे को दोनों की जगह पर बिठा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अली की जगह पर इनमें से कोई बैठ नहीं सकता। और ये खुद भी कहते हैं अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ये अहले बैत आ जाते हैं वहां पर पूरी फजीलतें सिमट कर इनकी तरफ आ जाती हैं। बल्कि दूसरे अल्फाज में यूं कहूं कि जितने इंसान कायनात में हैं वो फजीलत के पीछे दौड़ते हैं। सब ये चाहते हैं कि हमारे तरफ फजीलत आए, हम फजीलत की तरफ जाएं, शुजा बनना चाहते हैं, आलिम बनना चाहते हैं। तो इतनी कोशिशें क्यों हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन अहले बैत वो हैं जहां पर फजीलत आकर फख्र करती है। देख लें आप, आपको सिर्फ अली की वो शुजात मालूम है जो आपके जहन में आई, वो शुजात नहीं मालूम है जो अली के अंदर है। आपके अंदर वो सब्र समझ में आया है जो इमाम हुसैन में है, जाहिर किया है, जो हुसैन ने जाहिर नहीं किया वो समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो सिर्फ जाहिर को देखकर मानते हैं, अगर बातिन देख लिया होता तो खुदा की कसम सजदे में सर झुकता नहीं तो और क्या होता। बातिन की तरफ तो हमारी निगाह है ही नहीं, इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम्हें नहीं पहचाना अली मगर मैंने और खुदा ने। क्यों? इसलिए कि खुदा जानता है। तो असल तारीफ कौन करेगा? बंदा नहीं।
असल तारीफ तो खुदा करेगा। इसीलिए कुरान मजीद में जहां जहां अहले बैत के जिक्र है और फजीलत बयान है, वहां आप देखेंगे कि खुदावंद आलम ने उनकी बातनी नियतों को जाहिर किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। तो ये अहले बैत हैं, और अहले बैत में बात आ गई है तो अहले बैत की एक जुमला कहूँ जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और बहुत अच्छा जुमला है ये। पूरी हदीस किस्सा तो आप सुनते हैं, सब के सब जमा हो गए चादर तथीर में, और एक पूरे का पूरा अखलाक का दर्स है जो दे रहे हैं। वो अखलाक का दर्स क्या है कि अखलाक का दर्स ये दे रहे हैं कि जो बच्चा आ रहा है सलाम कर रहा है, अरे नाना आप पर सलाम, नाना आप पर सलाम, नाना बाबा आप पर सलाम, और ये मौला अली भी सलाम कर रहे हैं, ए मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम। तो हर एक ने सलाम किया और चादर के अंदर इजाज़त लेकर दाखिल हुए। दो चीज़ें आपके समझ में आई। आप भी अपने बच्चों से कहते हैं ना कि कमरे में मेरे आना हो तो नॉक करके आना, इजाज़त लेकर आना, और ये भी है कि जब सुबह अलैहिस्सलाम मुझे देखो तो सलाम करो। तो ये सब के सब जमा हो गए। जमा होने के बाद चादर कितनी बड़ी है, जनाब फातिमा की चादर कितनी बड़ी थी ये बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा। रसूलुल्लाह एक नाबीना को लेकर आए थे जनाब फातिमा के घर, और सलाम किया और कहा फातिमा इजाज़त है? कहा बाबा जान आपके लिए इजाज़त हमेशा है, आप आ जाएं। कहा मेरे साथ एक नाबीना भी है। तो जनाब फातिमा खामोश हो गई, फिर इजाज़त मांगी, फिर बाबा से कहा कि आ जाइए, नाबीना कहा तो खामोश हो गई। तो अब तीसरी मर्तबा रसूल ने जब सलाम किया, इजाज़त मांगी और फातिमा ने जवाब नहीं दिया, तो कहा कि फातिमा क्या वजह है? कहा बाबा जान इतनी चादर छोटी है कि मैं सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। देख रहे हैं साइज, देख लें आप जनाब फातिमा की चादर का साइज। और यही चादर जनाब फातिमा ने रसूलुल्लाह को उड़ाई थी, गत्ता तो हो बही उड़ा दी। अब उसके बाद एक एक करके उसमें दाखिल हो रहे हैं उस चादर में, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले। आप घर में आपके वहां पोते हो गए, पोतियां हो गई, आप जाएं घर तो आप जाके चादर ओढ़ के बैठ जाएं, तो जो छोटे बच्चे हैं सबसे पहले तो वो आ गए अंदर। अब बच्चा अगर बच्चे होने की हैसियत से आए तो वो पूछता पाछता नहीं है, चादर उठाई अंदर आ गया। लेकिन ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम हुसैन है आज चादर में आ रहा है मगर इजाजत लेके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इवेंट मामूली इवेंट नहीं है, बहुत अहम इवेंट है जिसमें इजाजत लेना जरूरी है। हसन ने भी इजाजत ली, अब फातिमा ने भी इजाजत ले ली, उसके बाद मौलाए कायनात भी। तो सबके सब जब दाखिल हो गए इतनी छोटी सी चादर में, तो वहां पर जिब्राइल ने यह कहा कि पालने वाले ये कौन है? जिब्राइल ने, आपने सुना है ना, जाकिर से सुना है मेंबर से, कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे तो गहवारा किसने झुलाया? जिब्राइल ने। फातिमा की चक्की किसने चलाई? जिब्राइल ने। तो फातिमा को जानते हैं जिब्राइल? नहीं जानते। हसन को जानते हैं, हुसैन को जानते हैं, रसूल को जानते हैं, फिर अल्लाह से क्यों पूछ रहे हैं चादर के नीचे कौन है? क्यों पूछ रहे हैं? वो चाहिए तो था कि वो खुद ही जान लेते। इसका मतलब यह है कि फातिमा की चादर की यह खसूसियत है कि जिस मलक की निगाह, जो जिस मलक की निगाह दीवारों से पार हो जाती है, आप जानते हैं दीवार से पार हो जाती है, या वो भी मिसाल नो, रसूलुल्लाह मेराज में गए, वहां देखा कि मलकुल मौत बैठा हुआ है, बहुत सोबर सीरियस। कहा कि मलकुल मौत ये हाथ में क्या है तुम्हारे? क्या या रसूलुल्लाह ये सिक्का जो है पूरी दुनिया मेरे सामने ऐसे है जैसे ये सिक्का मेरे हाथ में है। दिन में 5 मरतबा हर एक के घर में क्या हो रहा है मैं देख लेता हूं। तो
ये जो छत आपकी मेटालिक है, लोहे की है, उसके भी पार निगाह मलक चली जाती है। और ये जिब्राइल कह रहे हैं कि पालने वाले चादर के नीचे कौन है? ए जिब्राइल, तुम्हारी निगाह तो ऐसी होना चाहिए जो पत्थरों के पार चली जाए, लोहे की पार चली जाए, मगर ये चादर के नीचे की बात तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो जिब्राइल पलट कर कहेंगे कि किसी और की चादर हो तो मेरी निगाह पार हो जाए, ये तो फातिमा की चादर है। देख सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। उसके बाद एक गुजारिश उसने, हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनीहा। उसके बाद एक जुमला खुदावंद आलम से जिब्राइल ने कहा कि मुझे भी इजाज़त दे कि मैं भी चला जाऊं और उनका छटा बन जाऊं। जिब्राइल के बारे में फखरुद्दीन राजी ये कहते हैं कि पर खोल दें तो एक ईस्ट में होगा, एक वेस्ट में होगा। और यहाँ जिब्राइल कहाँ आ रहे हैं? फातिमा की चादर में। और नूर किसको कहते हैं? नूर उसको कहते हैं जो जब चाहे फैल जाए, जब चाहे सिमट जाए। तो जिब्राइल से आप कहें कि जिब्राइल जरा फातिमा की चादर में बड़े होकर आ जाओ। कहा कि नहीं, ना ये चादर ऐसी है जिसमें जो बड़ाई कबूल करे, ना ये घर ऐसा है जो बड़ाई कबूल करे। जो आएगा इस घर में अगर छोटा होगा तो आ जाएगा, बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो नहीं आएगा। तो फातिमा की चादर आने के बाद वो आयत जो बहुत मशहूर है वो उन्होंने तिलावत की। और तिलावत करने से पहले वो पूरी बातें बयान की कि ये ज़मीन और आसमान, ये शम्स और कमर, ये सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत में पैदा किया। तो ये जो है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुधहिबान कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तथीरा। एक सलवात दे। तो ना कोई गुनाह की गुंजाइश है, ना इसके बाद कोई गुनाह हो सकता है। कोई रिस्क के मानी है, कोई नक्स नहीं। ये पाक क्यों किया है? ताकि कल के दिन कोई एतराज करने वाला एतराज करे कि तुम अहले बैत को क्यों मानते हो, तो अहले बैत में कोई कमी ना दिखा सके। अगर कमी दिखाएगा तो वो कुदरत में कमी होगी, इसलिए कि अल्लाह पाक कर रहा है, अल्लाह पाक रख रहा है। ये अहले बैत खुद दावा नहीं कर रहे कि हम पाक हैं, नहीं, अल्लाह कह रहा है कि हमने पाक रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अहले बैत की तहारत की जिम्मेदारी अहले बैत की तो है ही नहीं, अल्लाह की है। और हम जब मोहब्बत करते हैं तो ऐसे से मोहब्बत करते हैं, ये आपकी फितरत में है। अगर मेरी दाढ़ी में कुछ लगा हुआ है तो आपकी निगाह फौरन उसी की तरफ आएगी। अगर आप जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए या कंप्यूटर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, तो आप चारों तरफ से देखेंगे, भाई इसमें कोई नक्स तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी होगी तो आपका जहन कहेगा नहीं, ये नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए। यह आपकी फितरत है। तो अल्लाह जब हमसे कह रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। वो हमसे ये नहीं कह सकता कि मैंने परफेक्ट नहीं बनाया है लेकिन तुम मोहब्बत करो। तो हम रोज़े महशर अल्लाह से कहेंगे, पालने वाले तूने उनको परफेक्ट बनाया नहीं और हमसे कह रहा है मोहब्बत करो, हमारी फितरत के खिलाफ था, हमने मोहब्बत नहीं की। हमारी फितरत तो यह है कि हमेशा कमाल और परफेक्शन पसंद करती है। लिहाजा जिससे मोहब्बत तूने वाजिब कर दी है उसको तूने परफेक्ट रखा होता तो फिर हमसे पूछता कि क्यों मोहब्बत नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि अहले बैत की तहारत के बाद जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे ये उसकी गलती है, और जो अहले बैत से मोहब्बत करे वो आईने फितरत है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। बिल्कुल तैयब ताहिर हर लिहाज से। जहां पर मोहब्बत आ जाए तो मोहब्बत भी ऐसी हो जहां पर तहारत ही तहारत पाई जाती हो। तो अहले बैत को जमा कर दिया, उसके बाद बाद में आयत उतरी है قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى। اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت کے طور پر مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔
उसमें आपने सुना एक सलवात भेजिए तो मैं थोड़ा सा वाकया मालूम है सूरह यासीन का, वो पूरा हिस्ट्री तो बताया होगा मौलाना लोगों ने। दो रसूल भेजे, सुना सुन चुके, दो रसूल भेजे गए, जनाबे ईसा ने भेजे थे। ये दो रसूल जब पहुंचे हैं अंताकिया शहर में, तो वहां पर आउटस्कर्ट्स में एक फार्मर मिल गया इनको। तो उस फार्मर ने कहा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा हम रसूल हैं। कहा तुम्हारी दलील क्या है, तुम्हारा सबूत क्या है कि तुम रसूल हो? ये आप हर एक से पूछ सकते हैं, मौलाना से भी पूछ सकते हैं, तुम्हारे पास दलील क्या है, सबूत क्या है ना? और ये तो फर्ज है, हर एक नमाज पढ़ने से पहले पूछ लें कि भाई तुम हो के नहीं इस काबिल। तो उन्होंने भी पूछा, उसने भी पूछा तुम्हारे पास सबूत क्या है? उन्होंने कहा कि हम बीमार को शिफा देंगे, नाबीना को बीनाई देंगे, मुर्दे को जिंदा कर देंगे। उस बेचारे का एक बेटा था जो बीमार पड़ा हुआ था, वो किसने कहा कि अगर यही बात है तो चलो मेरे घर और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है। ये लेकर गया, बच्चा बीमार मौत के करीब, इन्होंने उसके ऊपर हाथ फेरा और वो बच्चा ठीक होकर खड़ा हो गया। तो उसको यकीन हो गया कि ये, तो वो ईमान ले आया। ये दोनों शहर में दाखिल हुए। अब जैसे ही शहर में दाखिल हुए और इन्होंने तबलीग करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि तुम रसूल नहीं हो, तुम जब से यहां पर आए हो हमारे ऊपर नहुसत आई है। एक मौलाना साहब थे करीमपुर में, मौलाना साहब थे करीमपुर में, उनको और कुछ आयत याद ही नहीं थी। वो जब मजलिस पढ़ते थे कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, अब वहां बूढ़े लोग बहुत थे तो वो एक आध मर जाता था, उसके बाद फिर उसके सय्यम की मजलिस होती थी, फिर इनको मजलिस पढ़ना है, फिर उनका कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एक और मर गया। तो मैं जब वहां गया हूं तो लोगों से मैंने कहा तुम्हारे अब्बा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है कोई। कहा मौलाना साहब ये मौलाना ने सबको मार दिया, आप इनको समझाएं कि ये जो है वो आयत बदल दें वरना जो बचे हैं वो भी चले जाएं। तो कभी कभी जो है वो मौलाना भी नहुसत हो जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि तुम जब से आए हो दोनों के दोनों हमारी कम्युनिटी के ऊपर नहुसत आ गई है। तो उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि नहुसत हमारी तरफ से नहीं है, तुम्हारी तरफ से। कहा कि हम तो तुम्हें पत्थर मार मार के जान से मार देंगे, पत्थर उठा लिए। ये आदमी जो फार्मर था ये दूर शहर से दौड़ता हुआ आया, रजुलन यसआ, दौड़ता हुआ आया और एक जुमला उसने कहा। उसने जुमला क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि देखो ये अल्लाह के रसूल हैं, और देखो ये अगर तुमसे उजरत नहीं लें और कुछ बात बयान करें तो उसको कबूल कर लो। क्या जुमला है? जो उजरत नहीं ले और तुम्हें कोई बात बताए तो उसकी बात मान लो। तो शर्त क्या है? उजरत नहीं ले। और यहां रसूल क्या कर रहे हैं? उजरत ले रहे हैं। तो दोनों में फर्क है ना? आया वो कह रहे हैं कि उजरत नहीं लो, जो नहीं ले उनकी बात मान लो, और यहां ये रसूल जो है उजरत मांग रहा है। ये बात आप जहन में रखिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर दूं थोड़ा। उन्होंने क्या किया? पत्थर लेकर उनको मारने के बजाय इसी को मार दिया। जब ये मर गया और इसकी रूह निकाली गई तो इसने जब कम्युनिटी को देखा तो इसने कहा काश ये कम्युनिटी मेरी बात देखती और देखती अल्लाह ने मुझे कितना ऑनर दिया है। قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ, उससे कहा गया फौरन के फौरन जन्नत में दाखिल हो जाओ। हिसाब किताब नहीं है,
सीधे जन्नत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्लाह की राह में जान दे दे फिर उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वहीं से जन्नत है। अब एक जुमला सुनिएगा, मौला सिफिन से वापस पलट रहे हैं, करबला आ गई, वहां बैठकर मिट्टी सूंघी, आंखों से लगाया, रोने लगे। असहाब ने पूछा क्या है, उन्होंने मौला ने कहा कि यहां से इस जमीन से एक ग्रोह ऐसा उठेगा और अल्लाह की लिए जान देगा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब तीसरी जुमला सुनिएगा, हम उसको सलाम करते हैं जो जन्नती होता है, जो जन्नती नहीं होता हम उसको कभी सलाम नहीं करते, हम उसको रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, है नहीं? आप देखें, आपने कभी किसी को सलाम किया सहाबी को? नहीं। सलमान को सलाम करते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा जन्नत में जाएंगे। अहले बैत को सलाम करते हैं, करबला के शहीदों को अस्सलामु अलैका या हुर कहते हैं, क्यों? इसलिए कि यकीन है कि जन्नत में जाएंगे। और वो अपने बड़े बड़ों को कभी सलाम नहीं करते, अल्लाह की रजा मांगते मांगते मर जाते हैं, मगर पता नहीं कि अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ। मैं भी दुआ करता हूं उनके लिए, अल्लाह राजी हो जाए। इस दुआ से क्या फायदा है मालूम है? ये पता चलता है कि अल्लाह राजी नहीं है, जब भी तो कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये हो गया, तो उन दोनों को पकड़ कर बादशाह के पास ले गए और बादशाह जो था बुतपरस्त था उसने इनको जेल में डाल दिया। अब ईसा ने तीसरा पैगंबर भेजा, उसका नाम है शमून सफा। ये जब तीसरा आया तो इसने जाकर, एक्सट्रीमिस्ट नहीं था ये, इसने जाकर तबलीग करना नहीं शुरू कर दी, उसने लोगों से दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उनको बताया ये चीज़ें ये चीज़ें, तो लोगों में मशहूर शोहरत हो गई। तो लोगों ने फिर बादशाह से कहा कि ऐसा ऐसा आदमी आया है, बहुत अच्छा है, उसका किरदार इतना अच्छा है और काम इतना अच्छा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बादशाह ने कहा कि उसको बुलाओ। ये बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने दो तीन सवाल किए, तो बादशाह के समझ में आ गए ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने वज़ीर बना दिया उसको। जब वज़ीर बन गए तो एक दिन बादशाह से कहा कि बादशाह हुजूर, ज़रा मुझे अपनी सल्तनत दिखाओ, अपनी बुतकदा दिखाओ। तो बादशाह लेकर गया, सल्तनत दिखाई और उस बुतकदे में भी गया जहाँ ये दोनों के दोनों जेल में थे। तो एक मर्तबा उन्होंने इसको देखा, पहचान लिया, बोलना चाह रहे थे, उसने बोलने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ज़्यादा मजहबी लोग जो होते हैं बेवकूफ़ भी होते हैं। इस्लाम ये कहता है मजहबी हो अकल के साथ। एक सलवार भेजे मोहम्मद। उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने पूछा कि बादशाह हुजूर ये कौन है, ये दोनों कौन है? कहा ये दोनों ये मेरा मजहब ख़त्म करने के लिए आए थे और मैंने इनको जाल दिया, अन करीब इनको ख़त्म कर दूंगा। तो इसने कहा कि बादशाह हुजूर हमें देख लेना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। कहाँ बात, अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं बुला लेता हूँ। दरबार में दोनों को बुला लिया, कहा ठीक है तुम क्या लेकर आए हो? कहा अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, ईसा की पैगंबरी को मानो। कहा कि तुम्हारे पास दलील क्या है? कहा हम नाबीना को बीनाई दे देते हैं। तो तलाश किया गया, शहर से एक नाबीना लाया गया और उसको कहा कि तुम इसको बीनाई दे दो। उन्होंने अल्लाह की इबादत की और दुआ की, उसको आंखें मिल गईं। ये तीसरे वाले जो थे बादशाह के वजीर, इनके सामने एक आदमी लाया गया जिसके ये दोनों ढेले नहीं थे, पुतलियां भी नहीं थी। इन्होंने मिट्टी की दो पुतलियां बनाई, आंख में रखी, दुआ पढ़ी और वो देखने लगा। कहा ये तो मैं भी करता हूँ, तुमसे बेहतर करता हूँ। कहा और क्या कर सकते हो? कहा बीमार लंगड़ा लूला है तो उसको हम ठीक कर देते हैं। लाया गया, ठीक हो गया इनकी दुआ से। उसने दुआ की, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुर्दे को जिंदा करते हैं। अब वो जो तीसरे वाले थे बादशाह हुजूर, ये तो बहुत मुश्किल है,
आपका कोई मरा है? तो बादशाह का बेटा मर गया था। तो इन्होंने दोनों ने जब ये कहा कि मैं मुर्दे को जिंदा करते हैं, तो बादशाह ने कहा कि ठीक है मेरे बेटे को जिंदा करो। इन्होंने इबादत की, दुआ की और कहा कि जाओ कब्रिस्तान में देखो वो जिंदा है। बादशाह और सब पहुंचे वहां पर, देखा कि वो कब्र से निकल कर अपनी मिट्टी झाड़ रहा था और जिंदा हो गया। तो इन्होंने कहा कि बादशाह हुजूर, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, मालूम होता है इनका मजहब जो है वो हक है। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सब का सब, पूरा शहर, पूरी ममलकत ईसाई बन जाए। इसका मतलब यह है कि हमें यह सबक दिया जा रहा है कि जो सबसे अहम आदमी है उसके ऊपर हाथ रखो, उसको अगर बदल दोगे तो सब बदल जाएगा। तो यहां पर जो है इन्होंने ईसाई, और एक दूसरी बात यह है कि जिसको नबी भेज दे, जिसको नबी भेजे, उसके अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाती है जो नबी के मौजजे में होती है। ईसा जिंदे को मुर्दे को जिंदा करते हैं, मगर जिसको ईसा ने भेजा है वो भी मुर्दे को जिंदा कर रहा है। तो यहां पर अली जो है वो सिर्फ अली नहीं है, बल्कि रसूल के भाई भी हैं, रसूल के वसी भी हैं, रसूल के खलीफा भी हैं। तो जो मौजजा रसूल का है वही मौजजा अली के पास भी है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, बस उस जुमले को याद है, वो उजरत वाला जुमला याद है ना। अब यहां पर रसूल ने क्यों मांगा? सबसे पहला जवाब तो यह है कि रसूलुल्लाह ने उजरत नहीं मांगी, अल्लाह ने कहा मांगो। रसूल ने तो यही कहा मेरी उजरत अल्लाह पर है। अब यह जब हुआ तो अब दूसरी आयत सूरह सबा की 47, वो कह रही है मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, जो अजर मैंने तुमसे मांगा है वो तुम्हारे ही लिए है, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। जैसे एक आदमी आए आपके वहां मजलिस पढ़े और कहे कि मैं आपसे जो है $1,000 लूंगा, ये उजरत मांग रहा है, मगर जाने से पहले उसने क्या किया, 1,000 और अपनी जेब से मिला के आपको डोनेशन में दिया कि यहां के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मांगा था उसने, अपने लिए नहीं मांगा, हमारे ही लिए मांगा। तो इसी तरीके से यहां पर रसूल के लिए कुरान की आयत कह रही है कि जो कुछ मैंने अजर रिसालत तुमसे मांगा है वो हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे मोहब्बत करने से हमें कोई फायदा नहीं है, हां हमसे मोहब्बत करने में तुम्हें ही फायदा है। उसके बाद तीसरा जुमला सूरह फुरकान में 57, मा असलुकुम अलैह अजरन इल्ला मन इत्तखज़ा इला रब्बिही सबीला, जो कुछ अजर मांग रहा हूं ये उस शख्स से मांग रहा हूं जो अल्लाह की तरफ जाने के लिए रास्ता चाह रहा है, रब की तरफ जाने का रास्ता चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अजर मांगा गया है मोहब्बत अहले बैत, वो अल्लाह का रास्ता दिखा रहा है। एक जुमला आपसे कहूं, अब तक नबी और इमाम आते रहे हैं किस काम के लिए? मजहब पहुंचाने के लिए। अब रसूलुल्लाह के बाद से लेकर ज़ुहूर इमाम तक जो काम नबी और रसूल कर रहे थे वही काम मोहब्बत अहले बैत कर रही है कि हमने जो अजर मांगा है तुमसे ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। दूसरे अल्फाज में यूं कह दूं कि अहले बैत की मोहब्बत वो चिराग है जो अंधेरे रास्तों में उजाला करके तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देता है। ये चिराग और ये मोहब्बत अहले बैत कभी तुम्हें मस्जिदों से लेकर चलती है, कभी इमाम बारगाह से लेकर चलती है, मगर सबका रास्ता एक ही है, क्या? अल्लाह तक पहुंचना। तो जितनी मोहब्बतें हैं आप जमा कर लें और इन मोहब्बतों को जमा करने के बाद अंदाजा लगाएं। तो जब भी मोहब्बत, एक सलवात भेजिए तो एक और थोड़ी सी आ जाए, आराम आराम से पढ़ रहा हूं तो घड़ी रुकती नहीं। तो अब बस एक मिसाल और, आप दूध पीते हैं माशाल्लाह से, गैलन वालन ला के खूब, इंडिया में आप जानते हैं एक दुकानदार था चाय वाला मदरसे के पास,
मैं उससे बार बार कहता था, भाई तुम्हारा दूध बहुत पतला है, तुमने पानी मिलाया। वो कसम खाता था, अल्लाह की कसम है मैं पानी नहीं मिलाता। मैंने कहा अब आखिरी नुस्खा तो यही है कि तुमने दूध निकालने से पहले भैंस को दूध पिलाया, पानी पिलाया होगा उसको। जब ये दूध पानी पानी है, लेकिन जब पानी आप दूध में मिलाते हैं तो दूध पानी हो जाता है या पानी दूध बन जाता है? पानी दूध बन जाता है। तो क्या मतलब, पहले पानी की कोई कीमत थी? नहीं थी। जैसे ही दूध के साथ आपने मिलाया तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो पानी के ऊपर दूध एहसान करता है कि उसकी कीमत अपने से मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जो पानी बेकीमत था, दूध के साथ मिला, कीमत बढ़ गई। अब क्या होगा, एहसान तो है पानी के ऊपर और पानी को एहसान चुकाना है। वो क्या करते हैं, जब उसको आग पर रखते हैं दूध को, तो एहसान ये है कि जब तक पानी रहता है दूध सलामत रहता है, जब पानी खत्म हो जाए तब दूध के ऊपर आंच आती है। हुसैन ने करबला में जो असहाब कोई हैसियत नहीं रखते थे, उनको अपने से जब मिलाकर सबको अलैहि सलाम बना दिया, तो असहाब ने भी यह कहा कि जब तक हम रहें हुसैन के ऊपर कोई आंच नहीं आने पाए। तो आप देखें कि एक एक करके असहाब गए मगर हुसैन के ऊपर आंच नहीं आया। यहां तक कि रोजे आशूर जब उमर साद ने तीर चलाए हैं तो असहाब हुसैन ने सफ बांध कर सामने खड़े हो गए खैमों के, और एक दूसरे से कह रहे थे कि देखो कोई तीर जैनब के खैमे में नहीं जाना चाहिए, कोई तीर हुसैन के खैमे में नहीं जाना चाहिए। जो घोड़े पर सवार थे वो घोड़े पर रोक रहे थे तीर को, अगर तीर रुक नहीं पा रहा था तो अपने हाथ पर रोक रहे थे, अपने सीने पर रोक रहे थे। और जब 50 असहाब हुसैन इस जंगे मगलूबा में ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, और हुसैन ने अपने हाथों से सबको उठा उठा कर दफन किया, और उसके बाद एक सहाबी ऐसा हुसैन के पास आया जो बहुत बूढ़ा था, और इसने अली की भी खिदमत की थी, हसन की भी खिदमत की थी। अब हुसैन के पास आया तो हुसैन ने कहा जाओ जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम जाओ। कहा कि मौला मैं काला हूँ इसलिए? कहा कि नहीं जॉन, इस वजह से नहीं। कहा मेरे पसीने में बू आती है इसलिए? कहा कि नहीं जॉन, तुम मेरे नाना के सहाबी हो, मेरे बाबा के सहाबी हो, तुम जाओ, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे ऊपर से जिहाद साकित थे। कहा कि मौला इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा। कहा अच्छा ठीक है जॉन, जाओ तुम भी जिहाद कर लो, जंग कर लो। जैसे ही जिहाद करने के लिए जॉन गए वैसे ही आवाज़ दी आका मेरा सलाम। हुसैन पहुंचे और जॉन की सर को अपने जानू पर रख कर ये दुआ की। पालने वाले जॉन को अपने रंग के शिकायत थी, इसके चेहरे को नूरानी कर दे। पालने वाले जॉन को अपनी बू की शिकायत थी, इसके अंदर खुशबू पैदा कर दे। मुस्लिम इब्ने हमीद ये कहता है कि मैं जब मक्तल के पास से गुजरा तो एक लाश से नूर निकल रहा था और खुशबू निकल रही थी, जब करीब जाकर देखा है तो वो जॉन का लाशा है जिसमें से खुशबू भी निकल रही है और नूर नूर भी निकल रहा है। यहीं से पता चलता है कि मौला चलते चलते भी दुनिया से आप देकर गए हैं, किसी से एहसान लेकर नहीं गए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में न रुलाए। जब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है तो एक मर्तबा जैनुल आबिदीन से किसी ने पूछ लिया, मौला कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा
जहमत हुई तो एक मरतबा मौला कहते हैं अश्याम अश्याम अश्याम, सबसे ज़्यादा मुसीबत हुई है तो शाम में हुई है। वजह क्या है? क्या एक रस्सी में 12 बंधे हुए थे, 12 गले बंधे हुए थे, उसमें एक छोटी सी बच्ची का गला भी बंधा हुआ था। जब भी बीबियाँ खड़ी हो जाती थी तो बच्ची उस रस्सी में लटक जाती थी। तो यजीद ने एक मरतबा देख कर कहा कि ये कौन बच्ची है? कहा कि शिमर ने कहा कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। कहा कि ये सकीना है तो जरा इससे पूछो कि इसका एक हाथ गले पर क्यों है और एक हाथ चेहरे पर क्यों है। तो एक मरतबा बच्ची ने कहा कि ए यजीद, तेरे लश्कर वालों ने गला इतनी मजबूती से बांधा है कि जब भी मेरी फूफी और बहनें खड़ी हो जाती हैं तो मैं लटक जाती हूँ, इसलिए एक हाथ से रस्सी को थामे हुए हूँ और जब मेरा दूसरा हाथ चेहरे पर इसलिए है कि मेरी फूफी और बहनों ने अपने सब अपने चेहरे को बालों से छुपा रखा है, मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मैं अपने हाथों से पर्दा कर रही हूँ। यजीद ने हुक्म दिया कि रसन खोल दी जाए, बच्ची को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये बताओ कि हुसैन से कितनी मोहब्बत करती हो। कहा कि हुसैन के बगैर कभी खाया नहीं, हुसैन के बगैर कभी सोई नहीं, बाबा कहाँ है? बस ये सुनना था कि एक मरतबा यजीद ने कहा इस तश्त सिला में उनका सर रखा हुआ है। बेतीम बच्ची ने जब बाप को देखा तो एक मरतबा दौड़ी के उठा ले। एक मरतबा यजीद ने कहा नहीं सकीना, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, अगर हुसैन को तुमसे मोहब्बत होगी तो वहीं से आवाज दो, हुसैन का सर तुम्हारी गोदी में आ जाएगा। एक मरतबा सकीना ने फटा हुआ दामन फैलाया, बाबा यजीद आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, बाबा मेरी गोदी में चले आइए। सर मजलूम करबला उठा, सकीना ने दौड़ कर गले जैसे लगा लिया, ए बाबा आपके बाद तमाचे लगे, गोशवारे छीने गए, दर बदर फिर आए गए। بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے جملہ گناہ صغیر و کبیر کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد جہاں جہاں مومنین اور محبان اہل بیت ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، با روزگار مومنین کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعمال میں شامل ہے۔ سکینہ کی صدا ہے ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، ارے او شام والو، ارے او شام والو، ارے او کوفے والو، چچا کا سر یہ نیجے سے ہٹا دو، سر شبیر پہ پردہ اڑا دو، یہ غم کتنا بڑا ہے، پھوپھی کا سر کھلا ہے، ارے او شام والو، کفن بابا کو دے دو، میں خاتون زنا کا آئی نہ ہو، رسن بس تاثیروں بیردہ ہوں،
मेरी जानिब न देखो, मेरा कुर्ता फटा है। अरे ओ, 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 ओ शाम बाबा को दे दो। अरे ओ, 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 ओ शाम वालो, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ कूपे वालो, यतीमों को सताना कब रवा है, दुखे दिल को दुखाना कब रवा है, सितम जो चाहे कर दो मगर एक काम कर दो। अरे ओ, ओ शाम वालो, कफन बाबा को दे दो। अरे ओ वालो, अरे ओ शाम वालो, अरे ओ कूफे वालो, रिहाई की तमन्ना मर चुकी है, ये जिंदा मेरी मंजिल आखरी है, मगर बाबा से कहना बा ना साम आना। अरे ओ, 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 ओ शाम वालो, कफन बाबा को दे दो। अरे ओ, 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 ओ शाम वालो, करो रे हानो सरवर आहो जारी, सकीना ने वो सब के से गुजारी, तसर गोदी में सहकालो पर था ये नौहा। अरे नारे सलवात। अस्सलामु अलैक अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैक अबा रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या लैतनी कुंतु माकुम फाफूज़ माकुम फौज़ अज़ीमा। अस्सलामु अलैक मौलाय ग़रीब अल ग़ुरबा। अस्सलामु अलैक मुईन अज़ज़ाफ़ा व फ़क़रा। अस्सलामु अलैक मुग़ीस अश्शिया व ज़ुवार फ़ी यौम अल-ज़ज़ा। अस्सलामु अलैक शम्स व शुमूस या निस अन-नुफ़ूस أيها المرفون بأرض الطوس. السلام عليك يا أيها السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليك لأختك المعصومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان، ألمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.